नमस्कार, टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सूरज कुमार। रोहतास जिला के डेहरी विधानसभा क्षेत्र के ओकीड़ी गोला में भाजपा प्रत्याशी सत्यनारायण सिंह यादव के चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव पहुँचे। वहीं उन्होंने डेहरी प्रेम नगर हाई स्कूल के मैदान में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला भी साधा। भूपेंद्र यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति महागठबंधन को ही संभाल कर नहीं रख सका, वह बिहार को क्या संभालेगा। कुछ महीने पहले उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी जैसे दलित पिछड़े समुदाय के नेता उनके साथ थे। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव से पहले यह सब एक एक कर अलग चले गए। इससे पहले समझ सकते हैं कि उनकी नेतृत्व क्षमता कैसी है। इसके बाद उन्होंने नाम लिए हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला साधा। इस चुनावी सभा को भाजपा सांसद सुशील सिंह ने भी संबोधित किया। तो आइए देखिए इसकी पूरी खबर रोहतास जिले से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा के साथ। इंतजार कर रहे थे आप सब, उपस्थित हो गए हैं। हम आपसे आपका सहायता मांगने आए हैं। आप एनडीए की सरकार लाइए, हम देश में वन नेशन और वन राशन को लागू करके देश के सब गरीबों को 24 घंटे 24 12 महीने पूरे समय सबको ये सुविधा उपलब्ध कराने वाले। क्योंकि हमारे मन में एक विषय है और हमारे मन में एक विषय है कि देश आगे बढ़ना चाहिए और हमारे सामने एक गठबंधन है। लेकिन गठबंधन है कैसा? लोकसभा के समय में वो गठबंधन बना, उसमें जीतन राम मांझी जी थे, महादलित के नेता थे। उन्होंने एक चुनाव लड़के देख लिया, भाई हाथ जोड़ते मेरे साथ तो धोखा हो गया, भाई जोड़े नहीं जोड़े मांझी जी ने उससे हाथ और उनको छोड़ा। उसके बाद कुशवाहा जी तो अलग ही चले गए। उन्होंने भी कहा कि आरजेडी ने धोखा दिया। उसके बाद वीआईपी पार्टी, अति पिछड़ा समाज का एक लड़का गलती से उनके पास चला गया। लोकसभा में तो सीटें दी, बाद में विधानसभा में ऐसा हाल करा कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहा कि मेरी पीठ पे क्या घोप दिया, क्या घोप दिया। और इतना ही नहीं, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ लड़े थे, वो तो पूरी सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन बेटे ने ऐसा हाल किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा कि भाई इसके अंदर कोई राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। जो महादलित के नहीं हुए, जो पिछड़ों के नहीं हुए, अति पिछड़ों के नहीं हुए, आदिवासियों के नहीं हुए, जो एक साल चार पार्टियों को साथ लेकर के नहीं चल सकते, वो बिहार को साथ लेकर के चल सकते हैं क्या? वो सबको साथ लेकर के चल सकते हैं क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जदयू का गठबंधन है जो 15 साल से साथ है, आगे भी साथ रहेगा। हमने बिहार का विकास किया है, आगे भी विकास करेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंजीनियर सत्यनारायण यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।